पकवान में लग रहा है एकदम 56 प्रकार के भोजन लड्डू छपाएंगे। ओए होए 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 होए, अरे अभी हमारा सोफा नहीं आया तो इसी में। अरे कोई नहीं, प्यार से जहाँ खिलाए जो खिलाए वही मस्त है। तो सच में बहुत अच्छा लगा मिलके, और इनका घर बहुत ही अच्छा लगा आपका घर हमें। तो काफी अच्छा लगा जी अमित भाई के यहाँ, और काफी जोर शोर से खातिरदारी हुई। ऐसे बोल रहे रुक जाओ, जाना सुबह जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बाय बाय ठीक है अमित भाई, बाय, बहुत अच्छा लगा मिलके, थैंक यू, फिर आइएगा आप लोग। तो यहाँ पे किट्टू रानी सबके लिए चाय लेके आई है। यार कुछ नहीं खाएगा वो, देख रहे हैं, देखो ऐसे देख रहे हैं। हाँ, देख रहा है। कोई भी खाता है नहीं कुछ, वो देखते रहता है उसको। अच्छा ये देखो नजर है उसी पर। चाहिए बोल दो मासी, मुझे भी दे दो। ये नमकीन वाला बिस्किट लाल है, लाल। ये देखो हाथ भी भरा है। 400 भाई लो ना, देखो मैं नमकीन वाली बिस्किट। ये अमित भाई जो है सबको खिलाने में लगे पड़े हैं। अरे खाओगे ए सुनो ना, यहाँ कोई गेस्ट नहीं आया, इसलिए गेस्टिंग का टाइम आई हूँ ना। फर्स्ट टाइम आई हूँ तो क्या हुआ, मतलब खिलाए पिलाए नहीं? नहीं, ऐसे भगा दे। हाँ, जो खा रहा था। अरे बातें करो क्या, फिर जाना ही है। खिला पिला दे फिर बैठ के बात करेंगे। नहीं हमारी किट्टू रानी कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमको चाय नहीं पिलाएंगे जी आ रहे तब चाय पीना साथ में। वो जो अंकित भाई निकाले हैं वो मीठा वाला बिस्किट दे दो, उधर लग देते बोला इसी के ऊपर डाल रहा हूँ ना। प्रियांश तो यहाँ के चुपचाप से मम देख रहा है, हमको ये लग रहा है इसको नींद तो नहीं लग रहा है अभी। खुला दो, इतना शांत रहने वाला नहीं है ये, घूम के सोएगा वैसे नहीं। हाँ बुआ खिला दी कुछ, ये चाय वाय तो पियो, हम भी लोग पी रहे हैं। आप पीजिए ना भैया, बहुत जिया। तो अमित भाई का जो है मिठाई हमने यहीं पर रख दिया था, भूल गए हम लोग बात करने के चक्कर में। लगभग एक घंटे बाद याद आया कि मिठाई लेकर आए थे। ये देखिए जिया भूल गई थी कि मिठाई लेकर आई थी, बात करने में व्यस्त हो गई। कोई नहीं है मिठाई खाने, कोई नहीं। वैसे ये थोड़ा कम मीठा लगेगा उस टाइप का, हमें लगता है तुम्हें पसंद आया क्योंकि हल्का मीठा है, काजू कतली है। अच्छा अच्छा काजू कतली थोड़ी अच्छी लगती है। ख्यांस को बारी है, नीनी है ना, क्या नीनी आ रही है आपको? ओ नींद आ रही है, सुला लो दिया, शांति में रहो उस कमरे में, सोएगा तब तो। क्या ठीक है, पानी ठीक है? हां तुम रिकवर कर रही हो। बात रखने के लिए ना आपको दीदी मैं होल्ड करवा दूंगा, आप कुछ देके चले जाओ। मैं 1000 रुपए मतलब क्या दे रहा है ये, बोला नहीं बोला पर्स में पड़ा रख ले यार। इनको देखो अमित भाई, वो देखो उधर, यहाँ से दूध पी रहे हो? नहीं ये पानी गर्म करके गर्म पानी। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ क्या चल रहा है, दोनों की लड़ाई, दोनों को जाना, इसको भी मामा के पास जाना, उसको भी पापा के पास जाना। ये देखो ये देखो देखिए, ये सबके पास रहता है लेकिन इसको ये पसंद नहीं है इसके पापा के पास। नहीं तो ये भी देखो मेरी गोद से उतर के गया है, लड़का है। हाँ। और जब ये आया है तो ये इसका बाल नोच रहा है। हाँ। ए, मामा है तुम्हारा, देखो तुम्हारे पापा से पहले इसके मामा है क्रियांश। ये देखो ये देखो, अभी देखना अभी देखना बाल नोच, दोनों एक जैसा लेकिन मुंह बना रहा है। ये देखो ये देखो, वो उसका हाथ हटा रहा है। अभी देखना अभी देखना, और दोनों थूक निकाल रहा, देखना एक रिया, देख बाबू देख दोनों, ये देखिए कैसे मुंह से ये भी निकाल रहा है ये भी निकाल रहा है, ये क्या आदत सिखाए दोनों। अभी देखो तो सही, ये बुआ को देख रहा है, देखो 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 दोनों को। हाँ ये बुआ देख देख देख, पापा को पूछ ही लेगा क्रियांश। दोनों साइड हमको बैलेंस एकदम लगी पड़ी है एकदम खाने में, अरे करना पड़ता है। क्रियांश को इस वाले रूम में लेते ही आए, सोचे कि क्रियांश थोड़ा शांति में आएगा यहाँ पर, तो क्रियांश से सो जाएगा, थोड़ा घुमाएंगे फिराएंगे तो
लेकिन इसकी आंखों में नींद बिल्कुल नजर नहीं आ रही, देख सकते हैं, ये देखिए क्रियांश को तो नींद बिल्कुल नजर नहीं आ रही, उल्टा यह जो है खेलने लगा। इसको अपने पेट पर रखे, मेरे पेट पर जो है लगता है लगभग 15 मिनट जरूर कूदा होगा, उसके बाद मेरा पेट दर्द करने लग गया, तब उसके बाद इसको यहाँ गोद में रख लिया है और यहाँ भी कुछ इसको बेड पे लगता है मिल रहा है। टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो सोच रहे थे निकले और अमित भाई को बोले भी कि अमित भाई अब विदा लेते हैं, काफ़ी अच्छा लगा मिलजुल कर, लेकिन अमित भाई कहें कि देखिए यहाँ पर आए हैं खाना बन रहा है, बिना खाना खाए जो है आपको विदा नहीं करेंगे, तो उनकी बातों का सम्मान करना चाहिए, खूब आग्रह किया हमने वैसे उनसे अब जो है आपसे विदा लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं सांसद भाई बिना खाए नहीं जाइएगा, तो हम रुक गए जी तो खा के ही चलेंगे और जितना देर रुकेंगे इनकी तबाही को थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। में लग रहा है एकदम 56 प्रकार के भोजन। हाँ मैं लड्डू नहीं, अरे नहीं नहीं अलग अलग। सुनो जिया पहले तुम खा लो। ये क्या है? ठीक है हाँ, ऐसे ही कोई एक पकड़ेगा ना इसको। अच्छा ये बात है। ओए होए होए, अरे अभी हमारा सोफा नहीं आया जल्दी। अरे कोई नहीं, प्यार से जहाँ खिलाए जो खिलाए वही मस्त है। सब्जी हमारे घर में पहली बार लगने वाली और रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। कैसा लगा दुकान आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक उधर देख सकते हैं, हम बोल रहे हैं किट्टू जी को अपना भविष्य देख लीजिए, सामने है तुम्हारा भविष्य। कुछ होगा खाते टाइम ये होगा ही। इधर कहाँ जा रहे हैं? इस वाले में जिसमें रखे थे वो प्रमोशन की सारे ड्रेस। अभी आए दिया जी, 11:10 हो रहा है और अब हम लोग जा रहे हैं। ऐसे बोल रहे रुक जाओ जाना सुबह जाना, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात क्या, दो तीन बात हो गई है। एक तो ये सबसे पहले मेन है श्रेयांश का स्कूल है और कल है शादी का फंक्शन शुरू, तो कल सवेरे सवेरे कल येलो पिंक पहन के जाओगी? हमें तो कोई डिसाइड नहीं हुआ कल क्या है। कपड़ा निकला है, हम बहुत सारा कपड़ा छोड़ के आए अपना, मैं अपना बगीचा करूंगा लेकिन नहीं आई हो? बहुत सारा कपड़ा छोड़ के आए, ले जाओ मेरा पहन लेना, मेरा तो सारा वैसे ही रखा रहता है। मूड घूमे इधर आना, चूज कर लेना, ले जाना पहन लो, सूट भी आ जाएगा पहले का। तो काफी अच्छा लगा जी अमित भाई के यहाँ और काफी जोर भाई फोन चेंज कर दिया आपने क्या? ये 14 है ना, 14 ले लिया आपने? अब वो कब लिया? वो एक्सचेंज कर लिया मैंने इससे। अच्छा तो जिया यहाँ पर देख रही है रील्स, कुछ जाते जाते कुछ रील शूट हो जाए वैसे आएंगे, तसल्ली से रील्स बनाएंगे। आराम से 10 तारीख को आ जाना ना, आराम से 10 तारीख को क्या है सीधे चले आना। ठीक है ठीक है, आते हैं 10 को पूरा दिन अपना स्पेंड करना आराम से, 12:10 का शूट भी है ना। तो अब समय हो गया टाटा बाय बाय कहने का, लेकिन फिर से आएंगे जिया दादा तुम्हारे घर, फिर भी सही से मुलाकात होनी पड़ी और काफी लेट हो गया है क्योंकि बच्चे सो रहे हैं। मेन मुद्दा होता है बच्चों का, बिल्कुल स्कूल जाना है और छोटे लड्डू भाई को, नहीं तो फिर रुकते हैं। तो गाइज अब इन लोग को टाटा बाय बाय कहते हैं, फिर मिलते हैं कुछ देर के बाद, बाकी सब कुछ देर के बाद। तो सच में बहुत अच्छा लगा मिलके और इनका घर बहुत ही अच्छा लगा आपका घर हमें। जब यहाँ पे पेन होना शुरू हो, यहाँ नहीं होता है होता है। तो फिर प्रॉपर बैठ तो अब हम लोग चलते हैं, दीदी थोड़ा समझा रही है किट्टो को, कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है। बहुत जरूरी था सब चीजें, ठीक है अमित भाई बहुत अच्छा लगा मिलके, थैंक यू, फिर आइएगा आप लोग। अरे रुक जाओ रुक जाओ, अरे कर लिए हम, चलिए तो सच में मिलके बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, और काफी अच्छे से मेहमान नवाजी हुई, थोड़ा ज्यादा ही हो गया, जो अभी नहीं करना चाहिए था गेटो को, है ना, जो अभी हालत में नहीं करना चाहिए था। तो चलिए जी काफी अच्छा लगा मिल करके और अब सीधा चल रहे हैं घर और दोनों बच्चे अपने सो गए हैं और दोनों बच्चों को घर में जा करके बस तो मैंने सुना देना है। अपनी स्टॉल जो है दुपट्टे बाबा को दे दिए ताकि उसे और बिल्कुल भी ठंड नहीं लगे, ऐसे तो कैप पहना हुआ है और कपड़े अच्छे से पहने हुए हैं लेकिन फिर भी उसे ठंड ना लगे क्योंकि बाहर पूरी हवा चल रही है, तो पूरा कवर करके पतिदेव ले रहे हैं क्योंकि मेरे पेट में हल्की हल्की सी दर्द होने लगी है।